बाय फ्रेंड्स, आज हम पार्थेनोजेनेसिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये एंटोमोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी ये टॉपिक आता है। जो कम्पिटिटिव में और एमएससी जियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द लोअर क्लास ऑफ बायोलॉजी इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट इज़ द पार्थेनोजेनेसिस वी विल स्टार्ट। So it is a special type of sexual reproduction in which an egg or ovum develop without fertilization. So इसमें fertilization नहीं होती बट development होती है। So it is agreed the mature ovum, जो ovum होता है female gamete, उसमें सारा material होता है that potentially to form a new being। तो उसमें सारे essential requirements जो हैं वो होती हैं, fulfill करता है और उससे new organism बन जाता है। और जो पार्थेनोजेनेसिस है ये आर्टिफिशियली भी करवाई जा सकती है। विटे एक्सपर्ट थे साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल इनटू एम्ब्रियो, फीमेल गैमेट का एम्ब्रियो बनना विदाउट एनी जेनेटिक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेल गैमेट और विदाउट अटेनमेंट ऑफ अडल्टहुड। अडल्टहुड आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, तो इसमें मेल की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसको कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। सो इसको वर्जिन बर्थ भी कहते हैं कॉमनली। पार्थिनोस का मीनिंग है वर्जिन। तो इट इज़ टू टाइप, नेचुरल डैट इज स्पॉन्टेनियस और आर्टिफिशियल डैट इज इंड्यूस्ड। सो वी स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंसिडरेशन, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। इट अकर इन नेचर, बाय नेचर होता है, काफ़ी स्पीसीज में देखा गया है। एज यूजल वी डैट इज फैकल्टेटिव एंड एक्सक्लूसिवली ऑब्लिगेटरी। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये, इसके दो तरीके हैं नेचुरल। फर्स्टली इट इज़ कम्प्लीट, द कम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस अकर इन प्लैटी हेलमेंथिस रोटिफर एंड सम वास्प, दे ब्रीड ओनली पार्थेनोजेनेटिकली। सो हियर द ऑर्गेनिज्म ओनली प्रोड्यूस बाय पार्थेनोजेनेसिस, नो एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। सो एवरी इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग, ओनली अ फीमेल एग्जिस्ट, मेल बाय चांस ही बनते हैं। So this population have high reproductive capacity but loses the advantage of by sexual recombination. So sexual recombination bari variation isme nahi aati, but agar koi variation aaye it is by chance or by mutation, because here is no recombination of the gamete and no variation occur, but variation is by chance if there occur. Next is the cyclic. In the cyclic the parthenogenetic is not so permanent. तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो जैसे एफिड्स हैं और हम रोटिफर्स हैं, इनमें कुछ टाइम वो पार्थेनोजेनेटिकली भी प्रोड्यूस करते हैं, सम टाइम दे मे बी सेक्सुअली। तो सम टाइम देर इज अ रोल ऑफ ओनली फीमेल डैट इज पार्थेनोजेनेटिकली एंड सम टाइम इट कन्वर्टेड इनटू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेल। सो दे बेनिफिट बोथ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो तरह के इसके तरीके हैं, दे हैव मोर सर्वाइवल वैल्यू। अगर एफिड की मैं बात करूँ, इसमें रैपिडली इंक्रीज पार्थेनोजेनेसिस अपने लाइफ का एक पोर्शन है। उसमें स्प्रिंग सीजन में जो एग है वो हैच कर जाता है, उससे फीमेल बनता है, प्लांट को खाना शुरू कर देता है। और जेनेटिक रिकम्बिनेशन ओनली अकर सिंगल सेक्सुअल जनरेशन में, और समर के एंड में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सो हियर द एग फ्रॉम सम विंग्ड फीमेल बिकम सेक्सुअल इंडिविजुअल विच मेट। फ्रॉम द फर्टिलाइज एग द फीमेल निम्फ इमर्ज इन द स्प्रिंग फॉलोइंग टू ईयर टू रिपीट द साइकिल। सो विंग्ड फीमेल बनते हैं कई एग में, और फर्टिलाइज एग भी बनता है और उससे निम्फ निकलते हैं। तो यहाँ हम अगर बात करें, इस फ्लो चार्ट से आप देख सकते हो, समर पार्थेनोजेनेटिक फीमेल, समर में बन गई है, और यहाँ आपके पास फीमेल आ रही है, फीमेल रिप्रोड्यूस कर रही है, डेट इज स्टेम मदर, मेल फीमेल, मेन फीमेल है ये, और आगे जो प्रोगनी दे रही है इसमें मेल एंड फीमेल प्रोड्यूसर, ये मेल भी बना सकते हैं फीमेल भी। और हेयर द फीमेल इज कन्वर्टेड इनटू एन माइनस वन टू एन माइनस वन, जेनेटिक एलिमिनेशन हो रहा है यहाँ, जेनेटिक मटेरियल का टू एन माइनस वन रहा है यहाँ, जो टू एन डेट इज़ नॉर्मल ओवम एंड इट इज़ बाय पार्थेनोजेनेटिकली। तो यहाँ फीमेल बनेगी सेक्सुअल फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पर ये गैमेट मेल गैमेट बनाएगा और अडल्ट मेल बनेगा, अडल्ट मेल से फिर स्पर्म आएंगे, और यहाँ पे आपके पास ये फीमेल गैमेट है और स्पर्म मिलके जायगोट बनाएंगे, और फिर यहाँ स्प्रिंग सीजन में ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सो हेयर इज़ द साइकिल।
स्प्रिंग सीजन के बाद जब समर आएगी तो पार्थेनोजेनेटिक हो रही है, स्प्रिंग सीजन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। सो हियर यू कैन सी द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, द ऊगोनियम इज 2N, हियर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर 4N, देन मियोसिस अकर 2N, फर्स्ट पोलर बॉडी एक्सक्लूड द एक्स्ट्रा डीएनए, देन द मियोटिक मेटाफेज अकर एंड इज हैप्लॉइड। द हैप्लॉइड जो जहाँ स्ट्रक्चर बन रहा है इट बिहेव लाइक द गैमेट, और सेकेंड पोलर बॉडी का फंक्शन हो जाता है ख़त्म। यहाँ आगे सीधा ये गैमेट की तरह एक्शन करता है, क्लीवेज होती है। तो इसमें जो कैरियोकिनेसिस होती है उसके बाद साइटोकिनेसिस नहीं होती। दिस इज द साइक्लिक डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस इन द एफिड। आगे फ्रेंड रोटिफर की एक एग्जांपल है, रोटिफर क्रस्टेशियंस हैं और इनमें जनरली सेपरेट सेक्स होते हैं। फीमेल जो हैं दो तरह के होती हैं, एमिक्टिक एंड मिक्टिक, और ईच प्रोड्यूस सेपरेट टाइप ऑफ एग, अलग अलग एग देते हैं। जो मिक्टिक है जो हैप्लाइड होते हैं एंड कैन बी फर्टिलाइज बाई मेल, फर्टिलाइज मिक्टिक एग बिकम द डॉर्मेंट एंड इवेंचुअली डिवेलप इन टू ए 2N फीमेल। तो हैप्लाइड मिक्टिक होता है, ये 2N फीमेल बना देते हैं। अगर मिक्टिक एग फर्टिलाइज नहीं होंगे तो ये डिवेलप इन टू हैप्लाइड मेल। आगे मिक्टिक हैं दे प्रोड्यूस 2N एग, यहाँ जो एग बनते हैं फीमेल 2N बनाते हैं और डायरेक्टली इनटू 2N फीमेल। यहाँ 2N फीमेल बनेंगे और एनवायरनमेंट कंडीशन में ये सारा कंट्रोल होता है। सो हियर द टू टाइप ऑफ बिहेवियर, मिक्टिक एंड एमिक्टिक। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, कैसा उसका पैटर्न रहता है, इसके आगे टाइप है। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है डेट इज़ हैप्लॉयड डिप्लॉयड, ये हनी बी में देखा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हो फीमेल जो क्वीन है डिप्लॉयड है, मेयोसिस के बाद हैप्लॉयड ओवम बन रहा है, और हैप्लॉयड ओवम जहाँ हैप्लॉयड जायगोट बना के हैप्लॉयड मेल बनाता है, और हैप्लॉयड मेल मेयोसिस के बाद स्पर्म बना रहा है। और यहाँ जो आपके पास है हैप्लॉयड, यहाँ फीमेल ओवम बना है जिसके साथ फ्यूज करके डिप्लॉयड जायगोट बना रहा है, और यहाँ डिप्लॉयड फीमेल बनेगी, स्टीराइल फीमेल बनेगी। यानी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो स्टीराइल फीमेल बनेगी, अगर पार्थिनोजेनेटिकली मेल बनेंगे दे विल बी हैप्लॉयड। तो यहाँ पर भी जो डीएनए का इक्विलिब्रियम हो रहा है सेम वे में, टेट्राइड बन रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा डीएनए पोलर बॉडी में जा रहा है, पोलर बॉडी सुप्रेस हो रही है, और यहाँ पे कैरियोकिनेसिस के बाद साइटोकिनेसिस नहीं हो रही, सीधा यहाँ पे ब्लास्टोजेनेसिस हो रही है। दिस इज़ द हैप्लॉयड डिप्लॉयड टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट इज द ऑटोमिक्टिक मियोटिक और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें जो पार्थेनोजेनेसिस होती है मियोसिस होती है, बट यहाँ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही रहते हैं, दैट इज द डिप्लॉयसिस। इसमें आपके पास कभी भी हैप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये ऑर्थोप्टेरा और लेपिडोप्टेरा में, या तो बिफोर और आफ्टर मियोसिस ये होता है। तो आगे इसके इन्होंने टाइप बताए हैं कैसे होता है ये, बाय ऑटो फर्टिलाइजेशन एंड बाय रीसिचुएशन। ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो फर्स्ट डिवीज़न होगी मियोटिक की नॉर्मल होगी और फर्स्ट पोलर बॉडी और पोलोसाइट बनता है। सेकंड जो डिवीज़न होती है और यहाँ पोलर बॉडी सुप्रेस हो जाती है और अंदर जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो फ्यूज करके जायगोटी बना देते हैं, यानी इसमें साइटोकिनेसिस नहीं होती, दिस इज़ ऑटो फर्टिलाइजेशन। यानी जो डीएनए है, जो डीएनए है वो आपस में फ्यूज़ कर जाता है और जायगोट बना देता है। सो ऑटो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, साइटोकिनेसिस नहीं होगी। सेकेंड इज़ द बाय रीसिचुएशन, हाइमेनोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा में ये होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीज़न मियोसिस वन है वो फर्स्ट प्राइमरी ओसाइट बनाते हैं एंड फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, देन ए न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट पोलोसाइट बनते हैं, एंड हो एवर दिस इज नॉट फॉलोवर्ड बाय साइटोकिनेसिस नहीं होती। द क्रोमोसोम ऑफ बोथ द डॉटर न्यूक्लियाई गेट अरेंज इन इक्वेटर एंड प्रोड्यूस ए सेकेंड डिवीज़न। तो इसके इक्वेटर पे चले जाते हैं और यहाँ डिवीज़न देते हैं, और यहाँ आपके पास 2N बनेगा और वो एक जायगोट की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे जो डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम हैप्लॉयड है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, दिस इज़ द री सिचुएशन।
This is another type of formation of the otomictic or diploid parthenogenesis. Next we have the apomeiotic or ameiotic parthenogenesis. In this parthenogenesis, कोई भी meiosis नहीं होती. Example, brine shrimp. Brine shrimp में जो होता है, that is artemia salina. यहाँ जो meiosis है, वो female में suppress रहती है. Maturation division of egg being entirely mitotic. इसमें जो egg mature होता है, वो cleavage करता है, और उससे पहले भी mitotic ही करता है. Isopoda में trichoniscus and daphnia plex crustacea है. कैम्पिलोना रफिकम जो मलस्का है. वीवल एंड लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऊपर इनमें ये देखी गई है, डेट इज़ द एपोमियोटिक पार्थिनोजेनेसिस. और यहाँ पे जो ऊजेनेसिस होती है, इनमें जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है कम्प्लीटली सुप्रेस्ड एंड द फर्स्ट प्राइमरी ऊसाइट डायरेक्टली अंडरगो सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन. Oocyte जो है सीधा चला जाता है सेकेंड मियोसिस में. सच ओवम कंटेन टू एन क्रोमोसोम एंड डिवेल्प इन टू न्यू इंडिविजुअल. तो इसमें जो रिडक्शनल डिवीजन ही होगी, इक्वेशनल स्टार्टिंग डिवीजन जो होती है उसमें जो डीएनए रिड्यूस नहीं होगा, वो तो सीधा आगे डिप्लॉय स्ट्रक्चर बना देता है. सेकेंड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑफ ऑस्प्रिंग. ऑस्प्रिंग जो पार्थेनोजेनेसिस में बन रहा है उसका सेक्स क्या है, उसके बेसिस पे तीन टाइप की है. अरिनोटॉकी, अरिनोटॉकी में सिर्फ मेल बनेंगे. एग्जाम्पल है हनी बी. कुछ एग्जाम्पल है हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट है. इट फ्रॉम प्रिमिटिव सॉफ्टफ्लाई टू मोस्ट स्पेशलाइज्ड पैरासिटिक एंड सोशल वास्प. इनमें क्या देखा गया है, अरिनोटॉकी. पैरासिटिक जो वास्प है उसकी एग्जाम्पल ली है, जैसे हैब्रोबैक्ट्रिकॉन. हैब्रोबैक्ट्रिकॉन जो मेल है ये हैप्लॉइड है, इनमें 10 क्रोमोसोम होते हैं, वाइल द फीमेल है इसमें 20 क्रोमोसोम होते हैं. और सिंस दे आर डिप्लॉइड, सो इन दिस इंसेक्ट द फीमेल नेस इज डिटरमिन्ड बाय हेट्रोजाइगोसिटी एट ए नंबर ऑफ डिफरेंट लोकाई. हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल बनती है ऑन द सेवरल क्रोमोसोम के लोकस पे. सो हैप्लॉइड जो इंडिविजुअल हैं डैट हैच फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग कैनॉट बी हेट्रोजाइगस, हैंस दे आर मेल. सो अनफर्टिलाइज एग्स से जो निकलते हैं उनमें हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं आ सकती, क्योंकि एग है और उसमें होमोजाइगस ही होगा तो वो मेल बनते हैं. तो यहाँ जो फीमेल बनती है पैरासिटिक वास में, अगर हेट्रोजाइगस डीएनए होगा, क्रोमोसोम होंगे, तो फीमेल बनेगी. बट एग में कोई स्पर्म का डीएनए नहीं आ रहा, तो इसमें सारे जो बनेंगे डैट विल बी मेल. रोटिफर है, माइक्रो मेल्थस डेवलिस, यहाँ पे मेल हैप्लॉइड है एंड डिवेलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग. रोटिफर मेल डवार होते हैं और ये हैप्लॉइड एग से बनते हैं. टिक एंड माइट्स आल्सो रिनोटॉकी. ऐसे थाइलीटॉकी, थाइलीटॉकी में फीमेल ही बनेगी. यहाँ सोलेनोविया पटीनस लेक्टार्का अमेरिकियाना, तो इसकी एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज द एम्फीटॉकी. एम्फीटॉकी में मेल फीमेल दोनों बन सकते हैं. एग्जाम्पल इधर एफिस. तो फ्रेंड दिस वाज अबाउट द नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस. नेक्स्ट वी स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल में आप अपने आप करवा सकते हो एक्सपेरिमेंटल एक्टिवेशन ऑफ द एग करवा के. तो यहाँ पे डेवलपमेंट में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं एग के आफ्टर सर्टेन ट्रीटमेंट व्हाट विदाउट फर्टिलाइजेशन करवाए गए हैं. स्टडी ऑफ द आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस यहाँ बताया गया है. एक्टिवेशन ऑफ एग बाय स्पर्म एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पता चल जाता है कि स्पर्म जब इंटर करता है तो एग को एक्टिवेट करता है. ऐसे हम एक्टिवेशन करवाते हैं बट इसमें स्पर्म इंटर नहीं कराते आर्टिफिशियल वे में. तो ऐसे एग ऑफ सी अर्चिन है, स्टार फिश है, मॉथ, फिश फ्रॉग, टर्की है ना रैबिट, इनमें ये सक्सेसफुली किया गया है. और इसके जो मेथड्स हैं, फर्स्ट इज द केमिकल ट्रीटमेंट. केमिकली आप हाइपोर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बीक ऑर्गेनिक एसिड जैसे ब्यूटेरिक, लैक्टिक एंड ऑयलिक एसिड, अल्कलेस मीडियम 0.01 नॉर्मल अमोनिया, क्लोराइड साल्ट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, फैट सॉल्वेंट, टॉलिन, ईथर अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, यूरिया एंड शुक्रोज. ये कुछ ऐसे केमिकल है जिसको आप ओवम को इस ग्रेडियंट में रखोगे तो
पार्थेनोजेनेसिस स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट विद द स्पेशल एजेंट, फिजिकली हीट या कोल्ड, शॉक कंडीशन 30 सेल्सियस -10 डिग्री तक, इलेक्ट्रिकल शॉक, शेकिंग एंड प्रिकिंग। ट्रीटमेंट विद द रेडिएशन, यूवी रेडिएशन करवा सकते हैं कि जैसे सी अर्चिन में करवाया गया है। तो इसके अब सिग्निफिकेंस क्या है पार्थेनोजेनेसिस के, अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्स और रिप्रोडक्शन के अल्टरनेटिव ये मेथड है और ये भी फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 एन एन्यूप्लाइड, ये भी कंडीशन आ जाती है। नॉर्मल कंडीशन में ओनली डिप्लाइड एग्जिस्ट, बट इसमें 3 एन 4 एन आल्सो बियाबल। प्योर लाइन बनते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी वाई बाय द पार्थेनोजेनेसिस, मेटिंग अलो द होल एनर्जी अडल्ट लाइफ टू बी डिवोटेड फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो एनर्जी सेव हो जाती है, रिप्रोडक्शन की एनर्जी बच जाती है, फीडिंग में यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है वेरिएशन नहीं आती और ओनली फिनोकॉपी आर प्रोड्यूस। सो स्टूडेंट, इट वॉज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। आई होप यू कुड हैव अंडरस्टूड दिस माई टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमंग साइंस स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर future video.